क्लास 11 का 8.1 का पहला सवाल जो हम हल करेंगे, जिसका सूत्र ये आप देख लीजिए, ये इतना सूत्र है, ये आपको याद नहीं करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये पहला सवाल है जी, जो सवाल है 1 - 2x^5, और हम सूत्र के अनुसार बैठाएंगे। देखिए n का मान हमेशा 5 रहेगा, n का मान हमेशा 5 रहेगा। देखिए यहां पर n है तो यहां पर हम 5 कर दिए हैं, और 0 है तो 0 कर दिए हैं, और एक a हम इसे इसको हम a मानेंगे और इसको हम b मानेंगे, इधर -2x, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। और देखिए ये n के n c 1 है तो 5n1 हम कर देंगे, 5c1 कर देंगे, और एक के 1 × 5 - 1 हम हर एक से एक घटा जाएंगे, घटाएंगे 5 - 2 घटाएंगे, फिर 5 - 3 घटाएंगे, फिर 5 - 4 घटाएंगे, ऐसे चलेंगे। और देखिए हम सीधा भाग कर रहे हैं, देखिए इसका मान हमेशा 1 होता है, C5 0 का मान हमेशा 1 होता है, इसलिए हम 1 कर दिए हैं। और 1 को आप कितने बार भी लिखिएगा, 1 × 1 × 1 × 1, इसका मान 1 ही आएगा, हम कर दिए हैं 1 × 5 कर दिए, इससे दिक्कत नहीं है, प्लस 5 माने इसका फैक्टर कीजिएगा, C5 1 का फैक्टर कीजिएगा तो आएगा 5 × 1 = 5 × 4 × 5 में लेकर घटेगा तो 4 बच जाएगा, 4 को कटेगा 1 से कोई मतलब नहीं है, इसलिए 5 हो जाएगा। चलिए इससे कोई बात नहीं है, आप कर लीजिएगा, ये हो गया 5 × अब 1 की पावर माने 5 वाले 1 घटेगा तो 4 बचेगा, 5 वाले 1 घटेगा 4 बचेगा, और 1 तो है ही है तो 1 की पावर 4 × -2x तो लिया ही जाएगा, क्योंकि b = -2x है, तो हमने 2x कर दिया, फिर प्लस कर, फिर इसका 5 का 5 c5 और 2 का फैक्टर करेंगे तो होगा 5 × 4 और × 3 तो 2 × 5 - 2 हो जाएगा 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल, 2 का 2 अब 5 × 2 कटे 3 बचेगा, 3 फैक्टोरियल 3 से कट गया, और 2 से 2 कट गया, 4 कट गया 2 = 5 = 10 हो जाएगा, इसलिए आप समझ लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और 10 फैक्टर कर दीजिए गुणे, यहाँ पर देख लीजिए 5 में 2 घटा है, 1 का मान जो है 5 में से 2 घटा है तो हो जाएगा 1 की पावर 3 गुणे, यहाँ पर देख लीजिए 2x - 2x² है, -2x² कर दिए हैं, और देखिए ये 10 ये वही बात है, 5 फैक्टोरियल 3 है तो यहाँ पर 3 कर लेंगे, 5 - 3, ठीक है, 5 × 4 × 3, ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल × अब 5 मान ले 3 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 3 से 3 कट गया और 2 से 2 कट गया, 5 में 10 ही आएगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 10 × और यहाँ पर देखिए 1 में 5 में 3 घटा है, यहाँ पर 1 का जो है 5 में 3 घटा है तो 5 में 3 स्क्वायर बचेगा ही, ठीक है, फिर आगे आएंगे ऐसे 2x³ है, यहाँ पर क्यू कर दिए हैं, अब प्लस इसका फैक्टर कीजिएगा 5 c4 का तो यहाँ पर 5 ही आएगा, आप कर लीजिएगा, और हरदम में घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 5 × और 5 में 4 घटेगा तो 1 ही बचेगा गुणे 2x - 2x^4, यहाँ पर देख लीजिए -2x^4 है, प्लस हम यहाँ पर कर दिए हैं, और देखिए इसका 5 का फैक्टर करेंगे तो 5c5 तो 5 फैक्टोरियल 5, अब 5 में 5 घटे तो 0 बचेगा, उसको दिक्कत नहीं है, तो 5 कट जाएगा बचेगा, 1 ही बचेगा, तो 1 और इसका मान 5 में 5 का तो 0 बचेगा, इसलिए 1 लिख दिए हैं, 1 × और 2x^5 पर 5 कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 तो ही है गुणे 1 का आप कितना भाई गुणा कीजिएगा, 5 में कीजिएगा तो 1 ही जाएगा, इसलिए 1 × 1 तो 1 ही आएगा, ठीक है, ठीक है। और ये देखिए 5 × 5 मतलब देखिए P4 में 1 ही आएगा, 5 × 4 5 × 1 = 4 कोई बात नहीं, 5 × यहाँ पर कितना भी करें 1 ही आएगा तो 5 ही होगा, और -2x तो गुणा करिए तो -10x
ठीक है, उसे आप लोग राइट लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। प्लस प्लस है तो प्लस देखिए 10 और 1 के क्यूब, 1 के क्यूब तो 1 × 1 × 1 करेंगे तो बराबर 1 ही आएगा। तो 10 से कम 10 और माइनस 2 की 4 हो जाएगा ना, और ये माइनस में प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर में 10 से गुणा किया 40x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लीजिए प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस कर दिए हैं, इससे कोई बात नहीं, प्लस करने से कोई बात नहीं है। और देखिए ये 10 गुणे 1 × 1 स्क्वायर है तो, और कर दिए कितना भर भी आप एक कीजिएगा इसका मान एक ही आएगा, तो हो जाएगा 10 × 2 × 2 × 2 बराबर 8 आता है। और माइनस के माइनस गया तो माइनस ही आएगा, माइनस 8 ही आएगा। ठीक है, तो 10 × 1 × 8 के माइनस 8 के पावर 8x के क्यूब, तो हो जाएगा 8 × 2 = 80 और x के पावर क्यूब माइनस है तो माइनस ही रहेगा। फिर प्लस देख लीजिए, फिर यहाँ पर क्या है, ठीक है देखिए यहाँ पर 10 × 1 × 1 बराबर 10 ही आएगा, याद आप लोग जानते हैं। और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आता है, और माइनस क्या होगा तो माइनस 8 ही आएगा। यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स क्यूब है तो हो जाएगा 8 − 8 × x³, और 10 में गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 80, माइनस का 80 × x³ होगा, माइनस का 80 × x³। ठीक है, फिर इस पर आएंगे देखिए, और यहाँ पर 5 × 1 की पावर 1 है तो 1 × 1 की पावर 1 तो 1 ही आएगा, तो 5 × 1 और −2x की पावर 4 −2x की पावर 4 2 × 2 × 2 × 2 ठीक है 1 2 3 4 तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 होता है। ठीक है, 16 × 2 = 32, 2 × 4 = 8 2 × 2 × 2 × 2 2 × 4 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 और 16 × 5 = 80 x² देख लीजिए 16 × 5 = 80 x² 4। अब इस पे आएंगे, 1 × 1 है इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे एक ही होगा, एक से कोई मतलब नहीं है। और −2x की पावर 5 है तो −2x = 5 तो 2 2 2 2 2 तो 2 4 8 16 32 और x² 5 है ना तो हो जाएगा 32 32x5, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए या 1 हो या 2 या 3 हो इसके पावर में बीसम है तो बीसम ही आएगा, माने इसके पावर में −5 है तो 10 या 11 हो जाए 13 हो जाए माइनस ही चलेगा, और ये 4 जो माने कि 2 है वो प्लस में है तो 4 प्लस होगा 6 प्लस होगा 8 प्लस होगा।